और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कवर्धा से, जहां पर 600 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 600 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों युवक जो है वो उड़ीसा के बताए जा रहे हैं, उड़ीसा के रहने वाले आरोपी हैं। आपको बता दें, जब्त की गई चरस की कीमत जो है वो 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, माफ कीजिए, चरस की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 600 ग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। संजू गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजू, 600 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है और इस जब्त की गई चरस की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात उड़ीसा से दो व्यक्ति बस स्टैंड पे घूम रहे थे, 600 ग्राम चरस बरामद हुआ है उनसे और उसे बेचने के फिराक में थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पे चरस रखा हुआ है और वो यहाँ पे बेचने के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान पुलिस ने जब उस व्यक्ति की तलाशी ली और तलाशी लेने पर वहां पे उसके साथ 600 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 3 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिले में ये चरस का इस तरह का पहला मामला है जो चरस से खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजू, हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।